हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल शेखर कंप्यूटर सॉल्यूशन। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊं कि आप किस प्रकार हार्ड डिस्क पार्टीशन को डिलीट करके साइज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। यदि आपके पास विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप अपने कंप्यूटर में डिस्क पीसी या माई कंप्यूटर में जाके चेक करें तो आपको सी डी ई एफ इस नाम से कुछ पार्टीशंस मिलते हैं, जो कि दो से चार अलग अलग ड्राइव में देखने को मिलता है। यदि आपको लगता है कि आपके सी ड्राइव का जगह कम पड़ रहा है या अदर कोई ड्राइव का जगह कम पड़ रहा है तो आप किसी दूसरे ड्राइव को डिलीट करके उसका सी ड्राइव या डी ड्राइव में जोड़कर अपने सी ड्राइव का स्पेस को बढ़ा सकते हैं या डी ड्राइव के स्पेस को आराम से इजीली बढ़ा सकते हैं। तो वो किस प्रकार होगा वो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। इस वीडियो से पहले आपने हार्ड डिस्क पार्टीशन कैसे बनाते हैं अगर वो नहीं देखा है तो मेरे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले या ऊपर कार्ड में जाकर जरूर देख। तो चलिए अब बात ना करके किस प्रकार हार्ड डिस्क पार्टीशन को डिलीट करके दूसरे ड्राइव के साथ कैसे जोड़ते हैं वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के वो जान लेते हैं। हार्ड डिस्क पार्टीशन को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। ड्राइव को डिलीट करना चाहते हैं उस ड्राइव में डाटा या फोटो वीडियो से सब कुछ डिलीट हो जाएगा और उस ड्राइव का जो डेटा है सारा लॉस हो जाएगा। तो आप सबसे पहले उसकी बैकअप ले लें। आप जिस पार्टीशन को डिलीट कर रहे हो उसको उसी ड्राइव के साथ जोड़ सकते हो जिस ड्राइव के साथ आपने इसको पार्टीशन किया है। मान लीजिए आपने डी ड्राइव को पार्टीशन करके ई ड्राइव को बनाया था या ई ड्राइव को डिलीट करके डी ड्राइव के साथ ही जोड़ सकते हैं, बाकी दूसरे ड्राइव के साथ नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले आप माय कंप्यूटर पर जाएं। माय कंप्यूटर पर कैसे भी जा सकते हैं, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ। डिस्क पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज पे क्लिक कर लेंगे। मैनेज पे क्लिक करते ही कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल जाएगा। उसके बाद स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी ड्राइव के पार्टीशन, जितने भी पार्टीशन होंगे वो खुल जाएगा आपके सामने, जैसे सी डी ई एफ और ये आई। तो इस प्रकार का आप जिस भी पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं उस पर, जैसे मेरा ये जो है 97.66 GB, तो इसे हम डिलीट करना चाहें और किस में जोड़ सकते हैं वो भी देखेंगे। तो जैसा कि हम अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आ गए हैं, यहाँ पे सारी जितने भी डिस्क है वो सब खुल चुका है। तो हम जैसे न्यू वॉल्यूम है इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, एच है, तो यहाँ पे जैसे डिलीट वॉल्यूम है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आपके इस ड्राइव में जितने भी फाइल फोटोस एंड वीडियोस हों वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो इस पे यस कर दें अन्यथा नो कर दें। बैकअप ले रखे हैं तो यस कर दें। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ तो यस कर देता हूँ। तो आपके पास अब कुछ इस प्रकार का आ जाएगा अनलोकेटेड। तो इस प्रकार के मैसेज आने के बाद आप किसी भी ड्राइव के साथ जोड़ने के लिए इसके साथ जोड़ना है तो इसके साथ नहीं जोड़ सकते। हम देखते हैं किसके साथ जोड़ सकते हैं। हम सी के साथ नहीं जोड़ सकते, बाकी सभी के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम जोड़ते हैं इसको, इसी को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, आप पास नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद एक बार वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, फिर एक बार फिनिश कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ से जो अनलॉकेड वाला था वो गायब हो चुका है और इसमें ऐड हो चुका है। तो हम एक बार और माई कंप्यूटर खोल लेते हैं, यहीं से खोल लेते हैं।
जैसा कि देख सकते हो यहाँ से मैंने डी ड्राइव में ऐड किया था, 282 GB की हो चुकी है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब।